हेलो स्टूडेंट्स एवरी वन, गुड मॉर्निंग। टुडे आई टीच यू वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लाई एक्सरसाइज। आपका 12 है जिसमें कि हम जो वर्ड्स प्रॉब्लम जो है मल्टीप्लाई पर रिलेटेड पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12 की ओर। देखिए एक्सरसाइज 12 में है क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज़ ₹36,453। एक स्कूटर का प्राइस है, एक स्कूटर है उसका प्राइस जो है आपका कितना है, ₹36,453। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर। इसी तरीके से अगर 270 स्कूटर का प्राइस बताना है कितना होगा। एक स्कूटर का दिया हुआ स्टूडेंट, 270 का बताना है तो कितना होना चाहिए। तो जब एक का दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा का निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर ₹36,453, तो कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर्स, तो 36,453 में 270 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो हेंस द कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर्स इज इक्वल टू 98,42,310 rupees। ना क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रक कैन कैरी 6,785 kg ऑफ गुड्स। करें कि एक ट्रक है 6,785 किलो का सामान ले जा सकता है। तो हाउ मच कैन 759 ट्रक्स कैरी, तो आपको बताना 759 ट्रक जो है कितना सामान ले जा सकते हैं। एक ट्रक का दिया हुआ है तो बहुत सारे ट्रकों का निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं अगर एक चीज़ का निकालना है उससे मेनी थिंग्स निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए ट्रक कैन कैरी गुड्स, एक ट्रक जो है आपका 6,785 kg सामान ले जा सकता है। तो टोटल गुड्स कैरी कैन कैरी 759 ट्रक्स, इसमें हम इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आंसर आया जो है, ये हमारा जो है 759 ट्रक जो है इतने केजी का सामान ले जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है 5। एक क्लॉथ मिल प्रोड्यूसेस 3,746 meters ऑफ ए क्लॉथ्स इन अ डे। करें कि एक कपड़ा का मिल जो है एक दिन में 3,740 meters कपड़ा का उत्पादन करते हैं। तो हाउ मच क्लॉथ विल इट प्रोड्यूस इन 286 days, तो आपको बताना है तो 286 दिन में कितने कपड़ा का उत्पादन करेंगे। तो एक दिन का स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो हमको 286 डेज का चाहिए। यहाँ पर भी एक दिन का दिया हुआ है, हमें ज़्यादा दिन का चाहिए तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3,746 में 286 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लॉथ प्रोड्यूसन 286 डेज जो है 110,000, 10,000 lakh, 10 lakh, 71,356 meters। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ए बंडल ऑफ ए रोप मेजर 548 meters। एक रस्सी का गट्ठा है जिसमें जो है आपका कितना रस्सी है, 548 meters है। तो हाउ मच रोप विल बी देयर इन 2,367 सच बंडल। उसी तरीके से 2,367 बंडल होगा तो उसमें कितनी रस्सी होगा। तो एक बंडल का दिया हुआ, ज़्यादा का निकालना तो क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस 2,367 में 548 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल रोप इन 2,360 बंडल्स 12,96,160 meters। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है। ए न्यूज़पेपर कंटेंस 124 columns। एक न्यूज़पेपर है उसमें कितने कॉलम्स है, 124 columns है। तो ईच कंटेंस 136 लाइन, ये प्रत्येक कॉलम में 136 लाइन्स है। तो ईच प्रत्येक लाइन में 36 लेटर है। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द न्यूज़पेपर। तो ए न्यूज़पेपर कंटेंस 124 columns, तो ईच कॉलम 136 लाइन्स। तो आपको एक कॉलम में 136 लाइन है तो 124 columns में कितना हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 16,864 लाइन्स हो गया। तो कह रहे कि प्रत्येक लाइन में जो 36 लेटर्स हैं तो टोटल लेटर्स इन द न्यूज़पेपर 16,864 में 36 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका जो है 60,07,104 लेटर्स आपके होंगे। 110,000, 10,000 lakh, तो 6,07,104 letters जो है आपके न्यूज़पेपर में हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट। ये कंटिन्यू है आपका जो है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे जो जिसका आंसर आएगा उसमें फिर 96 से करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करो, जो उसका आंसर आएगा उसके आंसर में 96 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, जो ये आंसर है उसमें हमने फिर ये 96 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका ये रिजल्ट हो गया। तो स्टूडेंट जो है ये एक्सरसाइज जो है 12 जो है फिनिश हो गया। आज इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जो है आप लोग जो है इसका क्वेश्चन होमवर्क नोट कर लीजिए, डू एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 1 टू आपका 11 है स्टूडेंट, 11 तक करना है। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।